जनवरी नेक्स्ट मंथ इनफैक्ट क्रांति वाली गली आपको मिलेगी एंड आई होप सभी रेडी हैं पराठे खाने के लिए 17 जनवरी को। और शूटिंग हमारी चांदनी चौक में हुई है। पराठे वाली गली एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसकी स्टोरी जब मैं यूएस में था न्यूयॉर्क में तभी से एक थोड़ा सा मैंने लिखना शुरू कर दिया था कहानी पर। तो वापस यूएस जाने के बाद इंडिया तो थोड़े मेरे कुछ थिएटर शोज हुए और जैसे न्यूयॉर्क में मैंने काफी शोज किए तो फिर उसके बाद फाइनली हमने फेब के अंदर शूटिंग स्टार्ट कर दी। तो कहानी के सारे किरदार जो हैं वो पराठे वाली गली से हैं और जो इस कहानी में ट्विस्ट है जो पूरी फिल्म कहीं ना कहीं सारे जो कैरेक्टर्स हैं कहानी के जो भी स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं वो सभी कनेक्टेड है इस पराठे वाली गली से। इसके आसपास घूमते हैं जो कहानी इसमें नैना कौर है वो पराठे वाली गली में रहती है, उनका काम है पराठे डिलीवर करना उस एरिया में। और उधर मौलिक है नैना कौर जिनको लाइक करती हैं वो भी वही आसपास रहते हैं। तो बेसिकली एक बहुत ही रोमांटिक कॉमेडी है, दोनों में थोड़ा सा प्यार होता है और उस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अनु सक्सेना और नेहा पवार हैं, बहुत ही अच्छा काम किया है दोनों ने। नेहा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा लाइवली है, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ लाइफ। उधर जो अनु सक्सेना का कैरेक्टर है मौलिक नाम है मूवी के अंदर उनका, बहुत ही शांत स्वभाव का कैरेक्टर है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है दोनों ही एक्टर्स ने। मैं एक थिएटर डायरेक्टर भी हूँ राइटर भी हूँ, मैंने काफी सारे शोज इससे पहले किए हैं, यूएस में भी किए कनाडा में भी किए इंडिया में भी किए। तो जो स्टोरीज है आइडियाज है कुछ ना कुछ चलता रहता है। पिछले 2 साल में जो भी मूवीज आई आप कहानी देख लें, विकी डोनर देख लें, पानसिंह तोमर देख लें, भेजा फ्राई है, खोसला का घोसला है, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई है जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, बड़ी बड़ी फिल्मों से ज्यादा बिजनेस किया है और ऑडियंस ने अप्रिशिएट भी किया है। तो आई थिंक ये तो चीज प्रूफ कर दी ऑडियंस ने कि ऑडियंस को कंटेंट चाहिए, ना कि कुछ भी देंगे तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी। तो आई थिंक ऑडियंस ने सभी को बता दिया है।